16 से 99 कस्टडी पीरियड साढ़े छः साल साढ़े छः साल जी हाँ। अरेस्ट कब हुए थे आप? अरेस्ट तो हुआ 25/1/2007 को 25/1/2007 को मतलब घटना के 8 साल बाद जी हाँ। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस 302 149। किसी को बेल मिली है? नहीं तब किसी को बेल नहीं मिली। राम भरण राम किशोर को मिली है मरण। राम किशोर बाद में अच्छा आप ही जान मैडम चैनल तो मैं उसका बयान पढ़ देता हूँ। और किलो वन राम भरण ने कहा है माता प्रसाद ने गोली मारी। राम भरण ने गोली माता प्रसाद को मारी तो वो गर्दन में लगी। लेकिन दिस फैक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस प्री स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 की आर्टिकल। सिमिलरली हमारे पिलर टू राम कुमार ने कहा है राम भरण ने माता प्रसाद को गोली मारी तो कान की कान को घसीटते हुए निकल गई। हालांकि एक कहता गोली का गर्दन में लगी दूसरा कहता कान को घसीटते हुए निकल गई। इसका भी ये फैक्ट भी उसके 161 के स्टेटमेंट मेंशन नहीं है। तो तीन विटनेस में एक विटनेस तो शैलेंद्री है वो ये कहती नहीं है कि इसने कोई ओवरटेक किया। दो विटनेस का जो है 161 से कॉर्डिनेट नहीं होता। 161 से उनका कॉन्ट्रेडिक्शन है उसको जहाँ गोली मारता बताते हैं ऊपर उसका गोली मारता 161 ने नहीं बताया। ये पहली बार उन्होंने कोर्ट में इम्प्रूवमेंट किया है तो मैं सुनिश्चित है अगर कोर्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं कोई इंजुरी वहाँ आई कि नहीं आई? नहीं इंजुरी तो है आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट इंजुरी नहीं है लेकिन 161 के स्टेटमेंट ये दे सकती हैं वो देखा जाएगा फिर फाइनल रिलीज में। लेकिन अगर फाइनल रिलीज में आपसे 10 साल बाद या 4 साल बाद वो बट आज की तारीख में तो कोई केस नहीं बन रहा आपका। 8 साल बाद अरेस्ट हुए हैं 6.5 साल हुए हैं आपको और डबल मर्डर का केस है। नहीं देखिए इट इज सो डिलाइटफुल टू हैव यू हियर। हम लोग तो रोज चाहते हैं आप रोज आइए हम लोग की कोर्ट में एंड वी शुड बी एजुकेटेड। हम क्या आप रोज लगाइए क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए ना आप हमारे यहाँ कितना अच्छी कोर्ट देखिए आप दरखास्त लगाओ चाहे जब लगाओ चाहे जितनी बार मेरे से बहस करो लगा जज साहब बेल नहीं दे रहे हैं विड्रा कर लिए फिर 3 महीने बाद आ गए यानी कितना सेफ खेलते हैं आप लोग यहाँ पे। और हम खेलने देते भी हैं आपको नहीं वो भाई ऐसा है कि ये हम ना करें तो फिर मतलब बड़ा दिक्कत पड़ जाएगी ना उस तरफ भाई। देखिए ऐसा है जो चीज़ें ऐसा नहीं है जो रिपीट एप्लीकेशन आती हैं उसमें हम लोग फिर देखते हैं कितनी कस्टडी हुई और किस कितना कितनी कितना डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है इंटेंसिटी ऑफ क्राइम क्या है सब देखते हैं हम लोग और सब देखने के बाद ही हम लोग बोल रहे हैं अभी नहीं 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 इसमें ओवरेज की बात ही नहीं है। हम अपनी ड्यूटी करते हैं अपनी ड्यूटी करते हैं उसे कोई इशू नहीं है। कभी कभी साहब थोड़े से आर्गुमेंट थोड़ा जोर से बोल जाते तो वंडर कोर्ट को उसके लिए माफी चाहते हैं। हमको आवाज में ही सब आए राकेश शर्मा जी आप ध्यान रखो हम भी वकील रहे हैं और हम भी बड़ा चिल्ला के बहस करते थे। आई वॉज वेरी एग्रेसिव लॉयर लेकिन एग्रेसिव मतलब नीदर यू नॉर आई वी डोंट क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसिप्लिन। आप नहीं आप ये मत सोचिए कि आप तेज बहस करेंगे तो वी फील ऑफेंडेड रादर वी फील ओबलाइज बाय दैट प्रोसेस वी गेट एजुकेटेड ऑल्सो। और ये बहस तो रोज का काम है भाई आपकी आवाज़ मानो ह्यूमन नेचर है भाई आवाज मान लीजिए हम एग्री नहीं कर रहे छोड़िए आप थोड़ा आप और आवाज़ उठाओगे आप तो वो तो ह्यूमन नेचर है उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कंप्लीट मतलब आप जितनी भी ऊंची बहस आवाज में करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है बस इतना मत करना कि वहाँ से यहाँ मत चले आना।
बहस करते करते वहीं रहना, तो बस उसमें क्या है, मतलब हम लोग सेफ रहेंगे। नहीं अब पता नहीं एज खत्म हो गई, हमने तो परसों एक दिन देखा कौन कैलिफोर्निया में कहाँ पे वो ही जंप्ड अक्रॉस फ्रॉम द पोडियम टू द डाइस एंड ही अटैक द लेडी जज, उसने प्रोबेशन देने से मना कर दिया था। थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपना, है वन डजन नो। चलिए एक मिनट, हाँ प्लीज प्लीज। एक वकील साहब थे बहुत बहुत काफी जोर से बोलते थे, मेरी आवाज भी उनके सामने बचनी है। तो वो एक बार वो उनका केस फॉल हुआ, क्लाइंट ने कहा था वकील साहब, वकील साहब जज के साथ केस था, सब वकील साहब को बुला के लाता हूँ। कौन वकील था? फलाने वकील था। उनसे कहा अपनी सीट से बहस करते, हमारी आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।